हेलो, सत श्री अकाल जी। बहुत से लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि हमें स्वीट कॉर्न बताएं कैसे बनाते हैं। आओ चले देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। ये स्वीट कॉर्न छली मैंने छील के रख ली है, छील के धो के रख ली है। आप ये किसी भी सब्जी वाले से आराम से मिल जाएंगे। आप उनको बोलिए कि आपको स्वीट कॉर्न छली चाहिए तो मिल जाएगी आपको। और ये मैंने धो के सुखा ली है। इन छली को मैंने आधा आधा कर दिया है धोकर, जो हमने सूखने रखी थी। अब इस छली को हम एक कुकर में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उस पानी में हम इस छली को डाल देंगे। इसमें कम से कम मैंने 2 से 3 कप पानी डाला है। आप अपने अंदाजे से डालिए जिसमें ये छली भीग जाए। ये छली डाल के हमने इसमें रख दी है कुकर के अंदर पानी डालकर। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। आप देख सकते हैं कुकर मैंने गैस पे रख दिया है। इसमें हम डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा नमक और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब हम कुकर करेंगे बंद। कुकर बंद करने के बाद जब इसमें सीटी आए, सीटी आने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम सिम गैस पे ही पकने के लिए रखेंगे। कॉर्न हमने बॉईल कर लिए। अब हम कॉर्न को निकालेंगे कुकर में से। ये सारे कॉर्न हम बाहर निकाल लेंगे और ये पानी अभी हम फेंकेंगे नहीं, हम इसको भी यूज करेंगे। कॉर्न को आप ऐसे निकाल लीजिए। कॉर्न को हमने चाकू से सारा छील लिया है और अब इसके दानों को हम अलग अलग कर देंगे। कॉर्न को हमने अलग कर दिया। अब इस कॉर्न को हम रखेंगे गैस पर और जिस पानी में हमने कॉर्न बॉईल किया था वही पानी हम इस कॉर्न में डालेंगे। 2 कड़छी पानी डालेंगे। जो पानी हमने डाला है जब वो बॉईल होना शुरू हो जाए उसमें हम डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च। लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते तो आप मत डालिए। साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। साथ ही साथ डालूंगी थोड़ा सा मैगी मसाला। इसमें मैंने बटर इसलिए नहीं डाला अभी क्योंकि ये पानी में ही अच्छी तरह पक जाएगा और बटर जब हम बाद में डालेंगे तो इसका टेक्सचर जो है वो बहुत स्मूथ और क्रीमी बनेगा। पानी इसका सूख गया, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बटर। इतने सारे कॉर्न में थोड़ा सा ही बटर डला है ऐसे करने से और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बटर मिक्स होने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 नींबू का रस। अभी हमारे जूसी कॉर्न रेडी है। गैस मैंने कर दी बंद। अब हम इसको प्लेट में डालेंगे। अलग से इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऐसे बटर डाल दीजिए अगर आपको थोड़ा क्रीमी इफेक्ट पसंद है। अब ये मैडम हमारी टेस्ट करके बताएंगी कैसा बना है। ध्यान से, गरम है? बहुत स्वाद बना है। क्या बात है, एंजॉय।